सावन मास के प्रथम सोमवार के पूर्व रविवार को गंगा स्नान एवं पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता का विशेष कार्यक्रम चलाया गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। गंगा समग्र के जिला सह संयोजक नवीन चौधरी बाबा ने बताया कि गंगा समग्र की टीम लगातार काढ़ागोला गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कार्यरत रहती है। आज गंगा समग्र काढ़ागोला घाट समिति द्वारा 234वां रविवार लगातार गंगा घाट पर स्वच्छता एवं जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया। सावन मास के आगमन को देखते हुए आज विशेष अभियान चलाया गया। काढ़ागोला गंगा घाट ऐतिहासिक स्थल है, जहां दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं और पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। बाबा ने बताया कि काढ़ागोला गंगा घाट पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु स्नान पूजा के लिए आते हैं। सावन मास इस बार 2 महीने तक का होने वाला है। सावन माह में हजारों श्रद्धालु काढ़ागोला गंगा घाट पर गंगा स्नान पूजा पाठ करते हैं। यहां से जल भरकर विभिन्न शिव मंदिरों में जल चढ़ाने जाते हैं। गंगा समग्र के कार्यकर्ता द्वारा ही अपने श्रमदान कर जो भी व्यवस्था हो रहा है कर रहे हैं। प्रखंड संयोजक मनोज शाह ने कहा कि काढ़ागोला गंगा घाट पर श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। सावन माह में काढ़ागोला घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान पूजा जल उठाने आते हैं, लेकिन गंगा घाट पर गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण स्नान घाट की स्थिति अच्छी नहीं है। स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि स्नान घाट की व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाए, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान पूजा करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इस कार्यक्रम में जिला संयोजक नवीन चौधरी बाबा, प्रखंड संयोजक मनोज शाह, राम कुमार चौबे, रुदल मंडल, जीवच गुप्ता, मनोज गुप्ता, राहुल राज, कुमोद मंडल, मुन्ना चौधरी, महाराणा मंडल, राजीव शाह, मनु शाह, चंदन मंडल, अमित कुमार, टल्लू राय, एतवारी मंडल इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित थे। जी क्या कहना है, गंगा समग्र काढ़ागोला घाट समिति लगातार काढ़ागोला गंगा घाट पे स्वच्छता एवं जागरूकता कार्यक्रम करते आ रही है, जिसमें आज 234वां रविवार, पिछले 233 रविवार से काढ़ागोला गंगा घाट पे लगातार स्वच्छता का कार्यक्रम और जागरूकता कार्यक्रम करती आ रही है। और सावन माह, ये आपका 2 माह का इस बार सावन है, 59 दिन का सावन है, इसको देखते हुए चूँकि कल से प्रथम सोमवारी है और इसको भी देखते हुए विशेष स्वच्छता एवं जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर चलाया गया। और गंगा समग्र के कार्यकर्ता समय समय पर अन्य कार्य भी करते, जैसे कि जागरूकता के लिए गंगा आरती, उसके बाद देव दिवाली, उसके बाद यात्री सेट बनाया गया, जैसे पीछे देख रहे हैं आप, ये है क्या कहते हैं, चंजीगुरु महिला श्रद्धालुओं के लिए यहाँ चंजीगुरु है, क्योंकि काढ़ागोला घाट एक ऐतिहासिक घाट है और यहाँ आज से नहीं बहुत सालों से ये घाट है, लेकिन कटाव के चलते या कुछ स्थानीय लापरवाही, प्रतिनिधि या प्रशासनिक लापरवाही चलते यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन गंगा समर के कार्यकर्ता लगातार इसको लेकर के बने हुए हैं और जागरूकता फैला रहे हैं और गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल कैसे बनी रहे बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। मेरा नाम नवीन चौधरी, वाराणसी। शिकागो पिज्जा टेस्टी डिलीशियस यम्मी, विजिट माई शॉप NH31 कोर्सेला नियर बालाजी धर्मकाटा।